आपने 5 वर्ष की मजबूत सरकार का भी काम देखा है और आप एक मजबूत सरकार का काम अभी यहां कर्नाटक में अनुभव कर रहे हैं। मजबूत सरकार क्या होती है वो देखना है तो दिल्ली की तरफ देखो, और मजबूत सरकार क्या होती है वो देखना है तो बेंगलुरु को देखो। बीते 1 वर्ष से यहां नेताओं का जो नाटक चल रहा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और ये नाटक भी ऐसा है जिसमें इमोशन है, रिवेंज है, और इमोशन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर कुछ दिनों के बाद, हर कुछ हफ्ते में किसी न किसी रैली या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमोशन बह जाता है। क्या आपने ऐसे ही कर्नाटक के बारे में सोचा था क्या? ऐसे ही कर्नाटक के बारे में सोचा था क्या? अरे फिर जम करके बताओ ना। इस नाटक के चक्कर में कर्नाटक में विकास के काम पूरी तरह ठप रहे हैं। आप मुझे बताइए, किसान की कर्जमाफी का क्या हुआ? क्या हुआ? सिंचाई की योजनाओं का क्या हुआ? सूखा राहत का क्या हुआ? गन्ना किसानों की तो चिंता करने की फुर्सत ही यहां की सरकार को नहीं है। साथियों, कांग्रेस को ऐसी ही मजबूत सरकार पसंद आती है, ऐसे ही मजबूत मुख्यमंत्री और उनको पसंद आते हैं, और उनको प्रधानमंत्री भी ऐसा ही मजबूर बिठाना है। मजबूर मुख्यमंत्री रो रहा है, मंत्री और नेता घोटाले पर घोटाले करते जा रहे हैं, और उनको मालूम है कि अब उनकी सरकार का भविष्य लंबा नहीं है, और इसलिए उनको लगता है कि जितना माल 5 साल में मारना चाहिए वो जितना जल्दी हो मार लो, पता नहीं घर कब से चले जाएंगे। आपका काम इसलिए ठप पड़ा है क्योंकि आपके हक के पैसे से चुनाव लड़ा जा रहा है।